गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे द डेट इज 18 मई 2020। सब्जेक्ट कंप्यूटर, क्लास 8, सेक्शन बी। चैप्टर नेम है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स, लेसन 1। सो हम करेंगे आज ई पार्ट। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, पेज नंबर 13 में। ठीक है, हम क्या स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर नेम है हमारा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स, लेसन 1 है। पूरा चैप्टर हमने स्टडी कर लिया है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज का ई पार्ट है हमारा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, पेज नंबर 13 में। सो फर्स्ट है हमारा इसमें राउटर। राउटर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ हब्स एंड स्विचेस। बोले जो राउटर्स होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं किन की जगह पे, हब्स, HUBS एंड स्विचेस की जगह पे। दीज हैव अ वायरलेस एंटीना विच इंक्रीजेस द कम्युनिकेशंस रेंज ऑफ द रेडियो सिग्नल्स। बोल रहे हैं जो राउटर्स होते हैं वो वायरलेस एंटीना होता है उनका, और वो इंक्रीज करते हैं हमारे कम्युनिकेशन रेंज को। ठीक है, कम्युनिकेशन रेंज ऑफ द रेडियो सिग्नल्स, जो भी रेडियो सिग्नल की जो कम्युनिकेशन जो रेंज होती है उनको वो इंक्रीज करते हैं। कौन करते हैं, राउटर। ठीक है, सेकंड जो इसका है नेक्स्ट, फोर्थ नोड, द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज वर्क इंडिपेंडेंटली। ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ नोड। बोलते हैं नोड क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर जब वो क्या होते हैं, नेटवर्क में होते हैं और कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, एज वेल एज वर्क इंडिपेंडेंटली, कम्युनिकेट तो कर रहे हैं बट इंडिपेंडेंटली वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे कंप्यूटर जो हैं वो नेटवर्क में हैं तो उसको बोलते हैं हमारा नोड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, नेटवर्क कार्ड। अ नेटवर्क कार्ड इज यूज टू फिजिकली अटैच अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क सो दैट इट कैन पार्टिसिपेट इन नेटवर्क कम्युनिकेशन। बोल रहे हैं जो नेटवर्क कार्ड होते हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं, फिजिकली उनको अटैच किया होता है हमने। ठीक है, फिजिकली अटैच कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। ठीक है, सो दैट इट कैन पार्टिसिपेट इन नेटवर्क कम्युनिकेशन। बोलने का मतलब ये है जो नेटवर्क कार्ड होते हैं हम इनको क्या करते हैं, बेसिकली यूज़ करते हैं फिजिकली अटैच अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। जो भी हमारे कंप्यूटर उनको फिजिकली हमने अटैच किया होता है, ठीक है, नेटवर्क के साथ, ताकि वो क्या कर सके, कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, सो होमवर्क भी आपके लिए यही है, रीड राइट रिवाइज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। So thank you students and have a nice day.